हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आ गए हैं जैक मॉडल सेट क्लास 11 मैथमेटिक्स के जो मॉडल सेट प्रकाशित तो हुआ है ना, उसका सॉल्यूशन लेके। पिछले वीडियो में 1 से 20 तक का सवाल हम लोग सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में 21 से 40 तक जितने क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए मॉडल सेट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन में देखिए क्या है। आपका दिया है वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले हैं। द वैल्यू ऑफ समेशन आर टू एन थ्री टू दी पावर आर, यानी आपका एक ऐसे दिए है एन थ्री की पावर में आर, आर का मान 0 से n तक। आर का मान 0 होगा तो 3 टू दी पावर 0, 1 होगा तो 3 टू दी पावर 1, 2 ऐसे करते करते कहाँ तक, 3 टू दी पावर n तक। यानी 3 टू दी पावर 0 का मान कितना होता है, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ऐसे करते करते 3 टू दी पावर n तक। अब बताइए यहाँ आपका जो जीपी था, जीपी का जो फॉर्मूला था, समेशन का फॉर्मूला क्या था। एस एन बराबर ए आर टू दी पावर एन माइनस वन होल टू दी पावर आर माइनस वन, ये था ना आपका समेशन फॉर्मूला एस एन का। यहाँ देखिए प्रथम पद कितना है, 1 है। ओके, आर का मान कितना है, 3 है। कितने पद होंगे, एन प्लस वन पद होंगे ना, एन प्लस, यहाँ एन गो है और एन प्लस वन माइनस वन होल टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी आपका आगे आंसर 3 टू दी पावर n+1 -1 होल टू दी पावर 2, जो आपका इस सॉल्यूशन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। अगला सवाल देखिए, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x2 पावर 5 इन द एक्सपेंशन x+3 होल टू दी पावर 8। बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। ठीक है, कोई भी बाइनोमियल थ्योरम में आपको याद होगा a+b होल टू दी पावर n, इसके एक्सपांड में जो जनरल टर्म होता है tr+1 कितना होता है, ncr a टू दी पावर n-r b टू दी पावर। तो यहाँ देखिए आप x+3 होल टू दी पावर 8 इस एक्सपांड में tr+1 क्या होगा, फॉर्मूला वही है 8 c r, a के मान 1 से x^8 r, b का मान 3 है 3 टू दी पावर r। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, कॉन्स्टेंट आपको इधर लाइए, तो 8 c r (3 टू दी पावर r) (x^8 r) ये किसके बराबर होंगे, x^5 के। जो जो टर्म है उसमें क्या रहेगा, x^5 रहेगा। देयरफॉर r ज्ञात करने के लिए, फॉर r वैल्यू ऑफ r हम लोग क्या करेंगे, x^8 r = x^5। यहाँ से आपको r ज्ञात हो जाएगा 8 r = 5, दिस इंप्लाइज -r = 5 - 8, यानी आपका आ गया है -r = -3, r = 3। ओके, तो क्या ज्ञात करना है, कोफिशियंट ऑफ x^5। तो कोफिशियंट ऑफ x^5 कौन सा वाला चीज हो जाएगा, x के साथ ये जो टर्म है ये आपका हो जाएगा। देयरफॉर कोफिशियंट ऑफ x^5 इज
एट सी आर का मान अभी आया है बराबर थ्री, एट सी थ्री, थ्री टू दी पावर थ्री यानी फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल एट माइनस थ्री इंटू 27, आठ फैक्टोरियल पाँच तक है तो आठ गुना सात गुना छः गुना फाइव फैक्टोरियल, इनको लिखेंगे थ्री गुना टू गुना वन इंटू फाइव फैक्टोरियल, छः कट जाएगा तीन दो छः, पाँच फैक्टोरियल कट जाएगा गुना 27 यानी आपका 56 गुना 27, गुना कीजिए 56 के साथ 27 गुना कीजिए, चार 40 39 बारह दस ग्यारह चार दो एक पाँच 1512, ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है 1512 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, ये जो एपी दिया हुआ है इसमें कितने पद है, पद संख्या कितना है, तो मान लेते हैं पद संख्या कितने हैं, एन मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, ए बराबर कितना दिया है 20, डी बराबर आपका क्या है ए टू माइनस ए वन यानी 25 माइनस 20 यानी 5, देयरफॉर एन बराबर कितना है, फॉर्मूला आपका है एन बराबर यहाँ दिया हुआ है एंथ टर्म तो आपका 100 दिया हुआ है, लास्ट टर्म एंथ टर्म 100 है ना, इसका फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 100, ए का मान रख दीजिए, ए का मान 20 है, एन माइनस वन डी का मान 5 है बराबर 100, यहाँ से आपका आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 5 बराबर 100 से 20 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा ना, माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा सी बटा फाइव यानी 16, इसी का एन बराबर 16 प्लस 1 यानी 17, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 4, एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एरिथमेटिक मीन के बराबर होता है ए और बी के बीच एरिथमेटिक होता है ए प्लस बी बाई फोर, और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी, याद रखिए। ठीक है, देयरफॉर यहाँ एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 बटा 2 यानी 20 बटा 2 यानी 10, ऑप्शन डी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी, ये तीन नंबर जीपी होने की, देखिए ए बी सी आर इन ए पी होगा तब क्या होता है, सिंपल बी बराबर होता है ए प्लस सी बाई टू, ये याद रखिएगा एरिथमेटिक मीन जो होता है, और ए बी सी आर इन जी पी होगा इसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यानी बी बराबर अंडर रूट ए सी, तो यहाँ देखिए क्या बोला है, ये जी पी में है तो एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स प्लस फोर आर इन जी पी, ये इम्प्लाई करता है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर यानी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस 12 बराबर 0, दिस इम्प्लाई एक्स बराबर 12, एक्स का मान आपका आ रहा है 12, तो यहाँ आपका नॉन ऑफ दिस आंसर है। इफ 3x माइनस 4y एंड ax प्लस 6y प्लस 5 आर परपेंडिकुलर देन a इक्वल टू, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए आप बोली दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या था, इसका ग्रेडियंट दोनों का ग्रेडियंट का गुणनफल माइनस 1 होता है, परपेंडिकुलर का डेफिनेशन था। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रेट लाइन है इस यहाँ से आपका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आप अगर कन्वर्ट कर देंगे तो m का हो जाता है, यहाँ से माइनस फोर वाई बराबर माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन, तो माइनस फोर से भागा दे दीजिएगा तो माइनस थ्री एक्स बटा माइनस फोर माइनस नाइन बटा माइनस फोर यानी माइनस माइनस कैंसिल, थ्री बाई फोर इंटू एक्स प्लस नाइन बाई फोर, ये आपका हो जाएगा इस फॉर्म में
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे यहाँ से आपका आ जाएगा एम वन आपका आ जाएगा 3/4। वैसे ही यहाँ से आपका मिल जाएगा एक्स प्लस 6y + 5 = 0। यहाँ से आपका आ जाएगा 6y - ax - 5, यानी y = -a/6x - 5/6। यहाँ से आपका आ जाएगा m2 - a/6, क्योंकि दोनों आपका जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 × m2 - 1। m1 आपका आ जाएगा 3/4 इंटू m2 आ जाएगा -a/6 - 1, आपका आ जाएगा 3a - 24 - -1, -1 कैंसिल, 3×8=24, यानी a = 8। ऑप्शन आपका बी। दूसरा टेक्निक भी इसका याद कर सकते हो, तो शॉर्ट टेक्निक है ओल्डर मेथड। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 पैरेलल होता है, पैरेलल होगा इफ a1/a2 = b1/b2 होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर होता है इफ a1a2 + b1b2 = 0 होता है। ये कंडीशन से भी आप लोग कट कर सकते हैं, a1a2 + b1b2, यानी आपका यहाँ आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 3 से a गुना होगा, -4 से 6 गुना होगा, यानी 3 × a + -4 × 6 = 0, यानी 3a - 24 = 0। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 24/3, यानी 8, तुरंत आ जाएगा इस फॉर्मूला से। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कर सकते, बेसिक कॉन्सेप्ट से ग्रेडियंट कट करना है, दोनों का ग्रेडियंट कट कीजिए, गुणा कर दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा। Find the equation of line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। देखिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का फॉर्म क्या था, स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस y एक्सिस, अगर इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए इसका x इंटरसेप्ट a है, यानी a 0 पे कट किए है, आपका 0b पे कट किया है, क्योंकि इसका लेंथ आपका a है, इसके लेंथ आपका b है, तो आपका इसकी फॉर्म होता है x/a + y/b = 1। लेकिन यहाँ सवाल में देखिए इक्वल इंटरसेप्ट दिए है, तो दोनों बराबर होंगे, तो देयरफॉर a और b दोनों सेम होगा, इसको मान लेंगे हम लोग x/a = y/a = 1। आप क्या बोले है, ये पॉइंट इसके ऊपर है, तो सिंस 2, 3 lies in 1, तो सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई कर दीजिए, 2, 3 से 2/a + 3/a = 1, एलसीएम ये है 2 + 3 = 1, यहाँ से आपका जाएगा 5/a = 1, दिस इम्प्लाई a = 5 आया, तो इक्वेशन 1 बिकम्स x/5 + y/5 = 1, this imply 5 LCM, x + y = 1, this imply x + y = 5, answer of x + y = 5, any option C. Question number 28, find the equation of the line parallel to the line this and passing through the point 2, -3। ऐसे इक्वेशन काट करने के लिए बोले हैं जो इस रेखा के समांतर है और इस बिंदु से बिंदु होकर जाता है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x -
फोर वाई प्लस टू बराबर जीरो क्या होता है, ये इस टाइप का ही होता है, थ्री एक्स माइनस फोर आई रह जाएगा, थ्री एक्स माइनस फोर वाई, अब टू की जगह प्लस के हो जाएगा कॉन्स्टेंट बराबर जीरो, या किसी भी मतलब मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल लाइन क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर जीरो, सी के जगह बस चेंज हो जाएगा, सी नहीं होगा दूसरा कुछ होगा, ठीक है, तो ये आपका पैरेलल होगा और इस बिंदु से गुजरता है, देखो सिंस टू माइनस थ्री गुजरता है तो इसके ऊपर है लाइज इन वन, तो सेटिस्फाई करेगा, थ्री गुना टू माइनस फोर गुना माइनस थ्री प्लस के बराबर जीरो, ऐसा आ जाएगा छः प्लस बारह प्लस के बराबर जीरो, तो के का मान आपका आ गया माइनस अठारह, तो मान रख दीजिए यहाँ इक्वेशन वन में, तो वन बिकम्स थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस अठारह बराबर जीरो, ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, कोई भी देखिए फॉर्मूला क्या है, कोई भी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन से कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इनकी जो लंबाई है लेंथ है ये डी बराबर क्या होते हैं मॉड वैल्यू, बस बिंदु बढ़ जाता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ देखिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर मॉड नाइन एक्स वन नाइन इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन अंडर रूट नाइन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन प्लस सोलह अंडर रूट इक्यासी प्लस नौ यानी नॉट चौंतीस, चौंतीस बटा नब्बे, इसको आप लिख सकते हो चौंतीस बटा थ्री अंडर रूट टेन, ये आपका ऑप्शन आंसर आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है मतलब कोई भी मिस प्रिंटिंग है, तो ये ऑप्शन गलत क्वेश्चन गलत है, आंसर आपका ये आएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए कोई भी याद तो रखिएगा सेंटर, अगर एक सर्कल के क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो रेडियस और सेंटर, सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है आपका माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्म में रखिएगा तो सेंटर आ जाता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस फोर्टी फाइव बराबर जीरो है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा टू जी बराबर माइनस फोर और टू एफ बराबर माइनस एट, यहाँ से आपको जी आ जाएगा माइनस फोर बाई टू, ये बराबर आ जाएगा माइनस एट बाई टू, ये टू फोर यानी माइनस टू माइनस फोर, तो सेंटर आपका हो जाएगा माइनस जी माइनस ए यानी माइनस ऑफ माइनस टू कॉमा माइनस ऑफ माइनस फोर, ये आ जाएगा टू कॉमा फोर, ऑप्शन आपका बी। देखिए फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का किस फॉर्म में दिए, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई यानी y के तरफ इसका y एक्सिस हो जाएगा आपका इसके एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ आपका दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन वाई, ठीक है, तो क्या मांगे हैं फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस आपका क्या हो जाता है, ये जो एक्सिस है जो आपका फोकस से जाता फोकस होकर जाता है, इनका इक्वेशन क्या क्या होता है y एक्सिस का, इसको कहते हैं y एक्सिस, y एक्सिस होता है x इक्वल टू जीरो, ऑप्शन ये आपका होता है x इक्वल टू जीरो,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन के होल स्क्वायर, यानी फोर माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री के होल स्क्वायर, वन माइनस फाइव के होल स्क्वायर, यानी फोर प्लस जीरो माइनस फोर होगा तो सोलह, आपका हो जाएगा अंडर रूट ट्वेंटी। इसको आप लिख सकते हो चार प्लस चार गुना पाँच यानी टू रूट फाइव, ऑप्शन डी। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या मानेंगे, वाई बराबर लॉग एक्स बेस ए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स बेस ई लॉग ई बेस ए, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स इधर हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म कॉन्स्टेंट और बाहर आ जाएगा लॉग ई बेस ए। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ ई बेस ए इंटू लॉग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, ठीक है। ऑप्शन में तो इस टाइप का दिया है, नीचे एक्स नीचे लॉग ई बेस ए तो नहीं दिया है, एक्स लॉग ए बेस ई है, तो अगर इसको आप ऊपर में ले जा सकते हैं रेसिप्रोकल में है तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा लॉग ए बेस ई इंटू वन बाई एक्स, यानी आपका आंसर आ जाएगा लॉग ए बेस ई बटे में एक्स, यानी ऑप्शन बी। चौंतीस, वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स साइन वन बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली कोई भी साइन फंक्शन इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए ये बाउंडेड फंक्शन है, साइन वन बाई एक्स बाउंडेड फंक्शन, कोई भी साइन एक्स का फंक्शन जो है वो आपका एक और माइनस एक के बीच रहता है, फिर साइन एक्स तो फंक्शन होगा साइन ऑफ वन बाई एक्स होगा, ये भी एक और माइनस एक के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ से गुना कर देंगे, दोनों तरफ से मान लीजिए कैसे होता है, ये चलिए साइन वन बाई एक्स इसका वैल्यू आपका होता है माइनस एक्स से बड़ा एक से छोटा, तो एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एक्स लेस देन साइन वन बाई एक्स एक्स एक्स, मान लेते हैं एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो मान लेते हैं, ठीक है, गुना कर दिए, आप लिमिट बिठा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स साइन वन बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है जीरो, इनका वैल्यू घात करना है, इनका वैल्यू भी जीरो, कोई भी नंबर जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तभी ना ये कंडीशन होता है, साइन एक्स वन बाई एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, जीरो आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फाइव, ये आपका हो जाता है फोर एक्स, ये आपका हो जाता है थ्री, हो जाता है जीरो एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन,
डी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वन उठा दीजिए, 4 × 1 + 3 यानी 4 + 3 यानी 7। यहाँ भी देखिए ऑप्शन में आपका 7 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। एक्स का मान अगर मेरे ख्याल से -1 रखेंगे, इस सवाल में शायद थोड़ा सा गलती है, अगर यहाँ एक्स की जगह पे -1 रखेंगे तभी आपका ऑप्शन कुछ आएगा। इसके स्थान पर अगर -1 रखेगा, देखिए क्या होता है, 4x + 3 निकला है ना, तो 4 × -1 + 3 यानी -4 + 3 बराबर -1 होता, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक होता तो सी ऑप्शन होता। चलिए अगर कुछ नहीं दिया है तो आपका आंसर क्वेश्चन गलत है, तो आंसर कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट कब नहीं होता है, कोई किसी को भी स्टेटमेंट बोलते हैं अगर वो या तो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है, तभी आपको उसे स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दिया है स्टेटमेंट, देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, तो ये तो रॉन्ग है, तो ये एक स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, इसका प्रोडक्ट तो -8 होता है, लेकिन ये फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स है तो स्टेटमेंट है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलवेज ट्रू है, कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, देखिए ये आपका ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से मैथ इजी है, तो किसी और के हिसाब से वो डिफिकल्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मैन, मैन टू मैन ये वेरी करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखिए प्रथम एन नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 + ये आपका हो जाता है n × n+1/2। देयरफॉर मीन क्या हो जाएगा, मीन मीन हो जाएगा आपका Sn/n यानी n × n+1/2/2 n कैंसिल आ जाएगा n+1/2 ऑप्शन ए। इफ इज इम्पॉसिबल इवेंट देन पी क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का पी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इसका वैल्यू होता है 0, और पी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का वैल्यू होता है 1, यहाँ इम्पॉसिबल बोला है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0। इफ पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5, फाइंड ए और बी, दिया हुआ है ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी इनका जो ए इंटरसेक्शन बी है ये आपका 5 दिया हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अब बताइए फाइंड क्या करने के लिए बोले, फाइंड ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इनका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान कितना दिया है 3/5, पी बी का मान कितना दिया है 1/5, तो इनका इनका वैल्यू क्या है पी फाइव, ये आपका हो जाता है 0, इम्पॉसिबल इवन का 0 होता है 5, 3+1 यानी 4/5 ऑप्शन आपका सी। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ऑकर्स, देखिए एक बार टॉस कीजिएगा उसमें क्या रहता है आउटकम एच एंड टी, हेड या टेल, और एक बार करिएगा तो इसका भी, अब दोनों को एक साथ कीजिएगा ट्वाइस या एक कॉइन को दो बार कीजिएगा, तो जो रिजल्टिंग सैंपल स्पेस होगा क्या होता है, दो बार कॉइन टॉस करेंगे फिर एक आउटकम लेंगे, दो बार टॉस कॉइन को दो बार टॉस करेंगे फिर और एक आउटकम लेंगे, तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या क्या रहेगा, उसमें कैसे रहेगा, एच एच, मान लीजिए पहले एच एच रहा,
फिर मान लीजिए एच टी रहा, फिर टी एच, फिर टी टी, तो सैम्पल स्पेस में ऐसे रहता है एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, तो कितने यहाँ पर हो जाएगा सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में जो है कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है। और क्या प्रोबेबिलिटी फाउंड के लिए बोले, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ऑकर्स, तो क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट सच दैट एट लीस्ट वन टेल ऑकर्स। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कम से कम एक टेल है, तो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, तो ये हो जाएगा एच टी टी एच टी टी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपका हो जाएगा कितना, एन ए बटे एन एस, यानी एन ए इसमें तीन गो है, इसमें चार गो है, 3/4, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ओके, बहुत ही आसान सवाल था, चलिए बेस्ट ऑफ लक सम के लिए, थैंक यू।